हर हर महादेव। श्रावण मास के पुण्य महीने में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज रविवार का दिन है, 23 जुलाई का दिन है और श्रावण मास चल रहा है, अधिमास भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अभिषेक कराया जाए शिव जी का। तो आज हमने पंडित जी को बुलाया है, ये आप देख सकते हैं, पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। समस्त जो भी सामग्रियाँ पूजा में लगती हैं, यह है पंजीरी, रोट, शहद, हवन सामग्री, पंचामृत, दूध से अभिषेक होता है मेन, लगभग 3.5 लीटर दूध हमने लिया है। ये फूल, समी और भी बेलपत्र आप लोग देख सकते हैं, तैयारी पूर्ण कर ली गई है और भी अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जुटानी पड़ रही है। और दिनों से इच्छा थी, जब से श्रावण मास शुरू हुआ था, तो तैयारी पूर्ण हो गई है। पंडित जी कुछ ही देर में आएंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। आज भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, 3.5 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा और पूजा अर्चना विधिवत होगी। सावन का महीना चल रहा है, प्रत्येक दिन भगवान शिव का दिन है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन में हर रोज़ शिव भगवान का आराधना करिए, पूजा करिए, अभिषेक करिए। भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि लाते हैं, शांति लाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बारिश कराते हैं, जो हमारे विंध्य प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। तो बहुत धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस हम डालेंगे। अभी पंडित जी आए नहीं हैं, पंडित जी को फ़ोन किया गया है, पंडित जी 11 बजे तक आएंगे। कुछ कुछ तैयारियां हुई हैं, मैडम लगी हुई हैं, पंजीरी बना रही हैं, रोट बना रही हैं। पंजीरी आप लोग जानते हैं, आटे का जो बनता है प्रसाद, शक्कर मिला करके, और भी कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी मिलाती है मैडम, सौंफ वौंफ मिलाती है, उसको हम लोग पंजीरी कहते हैं विंध्य प्रदेश में। और पंजीरी हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं। अब पंजीरी खा करके हम लोग बोलते थे फूफा, तो पंजीरी गायब हो जाती थी, बचपना आप लोग भी याद करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही धीरे धीरे। ओम नमः शिवाय। ये मैडम तैयारी कर चुकी हैं। ये हमारा मंदिर है भगवान जी का, जहाँ हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं सुबह शाम। प्रातः पूजा होती है, संध्या वंदन भी होता है। तो आज का पूरा दिन भगवान शिव के नाम हमने कर दिया है। पंडित जी आ चुके हैं और अपनी पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। पंडित जी सबसे पहले मिट्टी को गीला करके शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उसके पश्चात गण का भी निर्माण करेंगे और नंदी बाबा का ही निर्माण करेंगे। पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और छोटी छोटी तैयारियां करनी पड़ती हैं बहुत सारी पूजा की। ये देख लीजिए, शिवलिंग का निर्माण हो चुका है, गण का निर्माण हो गया है, हो रहा है, साथ में नंदी बाबा का भी निर्माण होगा और फिर इनका अभिषेक कराया जाएगा। 3.5 लीटर दूध के साथ शानदार पूजा कराई जाएगी, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे देखेंगे कैसे पूजा हुई। धन्यवाद। मंगल गौरी नारायणी नमस्तुते, सर्वदा सर्वकारेषु नाशतेषां मङ्गलामेषां देस्तो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपते ते सुयुगं सुनामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतेस्तेषां पराजयायेषां देवरस्या मोदयेष्टो जनार्दना यत्र योगेश्वराकृष्टं यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजया द्रुतिद्रवाणी श्रीमतिरुनन्यात् चिन्तं तो माजना परिभाषते तेषां युक्तानां
योगम क्षेम वावहम स्वदेश कर कल्याणम भाजनम यत्र जायते पुरुषम तामसम नित्यम प्रजाते संति नाशते ब्रह्मे जनार्दनम वैश्वेश्वरम माधवम दंडेम दंडपाणिम च वैरम वंदे काशी गुहां गंगम भवानी मरणिकर्णिकम वक्रतुण्ड महाकाया शूलकोरिषम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकालेषु मंगलमूर्तये नमः श्री गणेशम विभ्यो नमः सिद्धिमुदितहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः करस्वजान करसत्येभ्य विष्णुकन्ते रुद्राक्ष मातृदा पंचम्याम उपरांत षष्ठ्यां तिथौ रविवासरेतायां सूर्यदक्षिणाने चंद्रदक्षिणाने श्रुतश्रुत प्राणोत्तर प्राप्त कामम भजय कश्यप गोत्र उत्पन्नाः विनोद कुमार शर्माहम सा पत्नी को हम समस्त बांधव सहित एतत् समय पृथ्वी गौरी गणपति वरुण देवता नौग्रहा नव देवता पार्थेश्वर असंख्यताय शेष नाग सहिताय नंदीश्वर सहित दुग्धधारिया रुद्र अभिषेक कर्मण कृतेना श्री भवानी शंकर रुद्रदेवता प्रिंताम नमम एतत् समय यथार्थ विद्या लाभार्थ शरीर निरोगिता प्राप्त वे हेतुक पूजन यार्चन अहम करोदयात्मा इदं गायत्रीदं नमः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुखी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगदी कार्यवती पिता महादेवा सूर्य स्वामी चरण आयत फल की सेवा सर्व कार्य सिद्ध करो जय गणेश देवा सकल कार्य सिद्ध करो जय गणेश देवा यहाँ खड़े हो जाओ यही खड़ी होना ठीक है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे नाम गीताया हरि ओम हरे 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 महादेव धन्यवाद साथियों, आप सभी को श्रावण मास की एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, यूं ही आप आनंदित रहें, सुख समृद्धि बनी रहे। जय भोलेनाथ।